अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीएससी केमिस्ट्री थर्ड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के सेक्शन नंबर 2 से सॉल्यूशंस के चैप्टर को स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो एक होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन वन आर मोर स्टेट्स। दैट सॉल्यूशन विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है उसे बाइनरी कहेंगे। बेसिकली सॉल्यूशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। जो क्वांटिटी जो कंपोनेंट आपके पास स्मॉल अमाउंट में हो, कम क्वांटिटी में हो, उसे सॉल्यूट, और जो ग्रेटर क्वांटिटी में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन में इसी सॉल्यूट की क्वांटिटी के बरक्स हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी आपके पास कम अमाउंट में होती है बनिस्पत सॉल्वेंट के, उन्हें हम डाइल्यूट कहते हैं, और जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्रेटर होती है उन्हें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर द सॉल्यूशंस विच कैरिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स होती हैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए। अब कंसंट्रेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टेल्स अस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि एक सॉल्यूशन में या एक सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। अब इस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को स्टडी करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन की टर्म्स में आते हैं। पहला है जी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कि एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिसॉल्वड हैं। सेकंड वे है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आप परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को वेट बाय वेट भी लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी लेते हैं, वॉल्यूम बाय वेट भी लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लेते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है और वेट ग्राम्स में लिया जाता है। तो इसको अगर आप इन चारों फैक्टर्स को एक ही फैक्ट में कंबाइन करें तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द परसेंटेज बाय मास आर बाय वॉल्यूम पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। उस 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में बाय मास हो या बाय वॉल्यूम हो, आपके पास जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन होगी। तीसरा फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के होंगे एक सॉल्यूशन में पर डेसीमीटर क्यूब, वो उसकी मोलारिटी है। सेम इज़ द केस ऑफ अनदर फैक्टर ऑफ मोलारिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें हम मोलारिटी में बेसिकली यहाँ वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ हम मास की बात करते हैं मोलारिटी में। इसी तरह एक और टर्म आती है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी होती है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके कंपोनेंट के मौजूद हैं सॉल्यूट की सूरत में, उसे हम उसकी नॉर्मैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी? फ्रैक्शन वैसे भी किसी हिस्से की बात हो रही है, तो मोल फ्रैक्शन से मुराद है किसी मोल फ्रैक्शन यानी पूरे कंपोनेंट में से किसी एक की बात हो रही है तो उसे हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ ऑलवेज लेस दैन यूनिटी। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट से मिलकर वो बना है, उसमें किसी एक मुतलिका कंपोनेंट को अगर आप सारे कंपोनेंट्स के मोल से डिवाइड करें तो वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा वन से कम होती है। पार्ट्स पर मिलियन इज़ अनदर एंड द लास्ट यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसको एब्रिवेट किया जाता है PPM से। तो ये आपके पास सॉल्यूशन के आपके पास स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट्स पर मिलियन इज़ अ वेरी स्मॉल फैक्ट, और बेसिकली इस यूनिट का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या बहुत ज़्यादा सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में हो तो वहाँ पर इस यूनिट को यूज़ किया जाता है। तो उसका एक फार्मूला भी है, PPM ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास इनटू 10^6। सो ये थे यूनिट्स सॉल्यूशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मूलाज ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम आ जाएं तो परसेंटेज कंपोजिशन है फर्स्ट फैक्ट। इसमें हम वेट बाय वेट लेते हैं।
वेट फर्स्ट जो फैक्टर है वो सोल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड फैक्टर जो है सॉल्वेंट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह ये चारों फैक्ट्स हैं जो भी हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में देखे, यानी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर हम 100 ग्राम में से डिजोल्व करें और सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें 5 ग्राम सोल्यूट है और जो आपके पास 95 ग्राम है वो सॉल्वेंट है। इसी तरह वेट बाय वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं तो सोल्यूट को आप ग्राम्स में लेंगे और अपने सॉल्वेंट को आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब की रिस्पेक्ट से लेंगे। इसी तरह वॉल्यूम बाय वेट क्या है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपने सॉल्वेंट को मास के अतबार से लिया और वॉल्यूम के अतबार से आपने सोल्यूट की क्वान्टिटी को मेयर किया और सोल्यूशन बनाया। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो तो दोनों क्वान्टिटीज़ को आप सेंटीमीटर क्यूब में ही लेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन होगा। अगर हम ओवरऑल इसको इसका कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम या वेट ऑफ द सोल्यूशन इज 100 यूनिट्स, चाहे वो ग्राम्स में लिया जाए चाहे वो वॉल्यूम में लिया जाए। तो ग्राम्स में हम मास की कंसिडरेशन कर रहे हैं और वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर क्यूब को मद्देनजर रखते हैं। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं। अब सेकेंड मोलारिटी का अगर फार्मूला देखें तो हमने भी देखा कि इसका ताल्लुक नंबर ऑफ मोल से है पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इस तरह मोलारिटी में भी सेम ही एक्सप्रेशन है, जस्ट यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा क्योंकि वो वॉल्यूम पर और ये मास पर डिपेंड कर रहा है। नॉर्मेलिटी भी सेम ऑलमोस्ट सेम होती है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्वल एंड मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये एग्जैक्ट मास को शो करता है इक्वल एंड मास। नेक्स्ट है जी मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। इस बात को समझने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी एंड सी, सबके आप सेपरेटली मोल्स को एन ए एन बी और एन सी कह सकते हैं। इसी तरह इनके मोल फ्रैक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एक्स ए एक्स बी और एक्स सी कहलाएंगे। एक्स ए मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हम पूरे कंपोनेंट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर आ जाएगा और नीचे तमाम कंपोनेंट्स के मोल्स का सम होगा। इस तरह अगर आपको बी फाइंड आउट करना है तो बी को ऊपर लेंगे और बाकी नीचे तमाम कंपोनेंट आपके पास उनके मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह सी का भी बिहेवियर है। अगर आप किसी भी सिस्टम की बात करें तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। अब 3 कंपोनेंट का सिस्टम है तो 1 के इक्वल है, अगर 2 कंपोनेंट्स होंगे तभी वो 1 के इक्वल ही रहेगा। तो ये एक कुछ मेजर से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम आ जाएंगे सॉल्यूशन की कंडीशंस की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ कम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स। अब मिसेबल वर्ड क्या होता है? मिसेबल जो आपस में मिक्स हो सकें, कम्प्लीटली मिसेबल। मिक्स होने की कंडीशन है कि दोनों सॉल्यूशंस का दोनों लिक्विड्स का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो दोनों पोलर लिक्विड्स हो सकते हैं जो आपस में आसानी से हल हो सकें या दोनों नॉन पोलर लिक्विड्स हो सकते हैं। जब इस तरह के लिक्विड्स को आप मिक्स करते हैं तो हमें एक ही फेज मिलती है। अब इसी कम्प्लीटली मिसेबल सॉल्यूशन की अगर हम टाइप्स पर जाएं तो 2 तरह की टाइप्स होती हैं, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कंडीशंस हैं जो उसे नॉन आइडियल से डिफ्रेंशिएट भी करवाती हैं और वो क्राइटेरिया में कुछ 5 फैक्टर्स मौजूद हैं। नंबर 1, जब आपके पास सॉल्यूशन बनता है तो वो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, यानी हम सपोज कर लें कि एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ए बी कंपोनेंट यानी सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले जो ए ए कंपोनेंट और बी बी कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो वो अपनी फोर्सेस ब्रेक करके मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट्स की मिक्स होने के बाद सेम रहे जैसे वो प्योर हालत में थी तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी ए ए और बी बी मिलकर जब ए बी बने तो ए ए में जो उसकी फोर्स मौजूद थी कंपोनेंट की, ए बी में भी अगर वो सेम है तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल मानेंगे। सेकंड, इफ़ द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ज़ीरो देन द सॉल्यूशन इज़ आइडियल। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा हीट में तब भी सॉल्यूशन आइडियल होता है। थर्ड, इफ़ देर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज़ आइडियल। अगर किसी किस्म का वॉल्यूम में चेंज भी नहीं है तो तब भी सॉल्यूशन आइडियल है। फोर्थ है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ओबेड बाय द सॉल्यूशंस। तो ये इक्वेशन है जो सॉल्यूशंस के लिए है ऑस्मोटिक प्रेशर की, पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी। अगर कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है, इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो आइडियल है। इसी तरह दो सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड ऑल द टेम्परेचर्स देन दे आर कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो राउल्ट्स लॉ को भी ओबे करेंगे, लिक्विड्स की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, वो भी आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। अब सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या है कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या नहीं है? राउल्ट्स लॉ।
is one of the best factor to check whether the solution is ideal or non-ideal. So in order to understand it, we have to consider the difference between the ideal and non-ideal solutions. So पहले हम राउट्स लॉ को देखेंगे कि ये लॉ हमें क्या बताता है. राउट्स लॉ, इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि वेपर प्रेशर इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड. हम जानते हैं कि लिक्विड अगर पड़ा है किसी भी कंटेनर में तो उसने वेपराइज होना है, हर टेम्परेचर पर वेपराइजेशन का अमल चलता रहेगा तो वेपर्स बनेंगे, और ये अमल आपके पास टेम्परेचर के बढ़ाने से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. अब जब एक प्योर सॉल्वेंट आपके सिस्टम में मौजूद है जिसमें किसी किस्म का भी कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं है, तो सॉल्वेंट आपके लिक्विड की तमाम सरफेस से इजीली एस्केप कर सकेगा. लेकिन जब ऐसा ही लिक्विड उसमें आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है. दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन. जब आपके पास एक लिक्विड एक कंटेनर में मौजूद है और उसकी तमाम सतह सॉल्यूट के पार्टिकल्स या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से इंडिविजुअली फुलफिल है, तो वो आपके पास इजीली हम कहेंगे कि उस कंपोनेंट का आपके पास जो है वेपर प्रेशर या तो सॉल्यूट की बदौलत से है या सॉल्वेंट की बदौलत से है. लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सॉल्वेंट प्योर नहीं है तो वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट प्योर होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तमाम सरफेस से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एस्केप करने की टेंडेंसी एक जैसी होगी. लेकिन अगर आप सॉल्यूट उसमें डाल देते हैं जिसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो सॉल्यूट की मौजूदगी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इजीली एस्केप नहीं होने देगी, जिससे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा. तो हम इस बात को सिंपली कहते हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से कम हो जाता है. तो इस कॉन्सेप्ट को रॉड्स लॉ ने क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस किया, बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द क्वांटिटीज ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सॉल्वर्स. तो इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि रॉड्स लॉ, व्हेन द सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उसकी दो शराइत हैं कि वो एक तो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए यानी वो वेपराइज नहीं हो, और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए यानी उसकी आयनाइजेशन भी मुमकिन ना हो. तो ऐसी कंडीशन के साथ सॉल्यूट तो अपनी जो राह ले लेगा सरफेस पे, जहाँ जहाँ वो अपनी जो है हुकूमत कायम करेगा वहाँ से सॉल्वेंट बाहर नहीं आ पाएगा. तो यही सबब बनेगा वेपर प्रेशर के कम होने का. तो सॉल्वेंट ने ही वेपराइज होना है सिस्टम में से, तो उसकी वेपराइजेशन कम हो जाती है. तो इस कंसेप्ट को रॉड्स ने बेसिकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है इन अ डिफरेंट वे. लेट अस कंसिडर दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसमें किसी किस्म का सॉल्यूट नहीं है, वो पी नॉट है, एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन इज पी, जिसमें आप अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देते हैं तो फिर उसका जो वेपर प्रेशर हम लेंगे वो पी होगा. तो जब भी पी नॉट आप देखें तो वो वेपर प्रेशर है प्योर कंडीशन का, और जब आप पी देखें तो वो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का. लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट बी एक्स वन एंड एक्स टू. एक्स वन इज़ द साइन फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और टू जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा ये नोटेशन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लिए होगी. तो पहला एक्सप्रेशन अगर हम देखें, जो कि अभी हमने देखा भी कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, उसका सारे का सारा जो दारोमदार है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पर है, यानी एक्स वन पर है. जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आपके सॉल्वेंट के ज़्यादा होंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो वहाँ पर एक एक्सप्रेशन हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, दैट इज़ पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन. अब पी नॉट आपने ऊपर देखा कि प्योर सॉल्वेंट का ये फैक्ट है, तो ये पहला एक्सप्रेशन है जो रॉड्स लॉ को डिफाइन करता है. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मोल फ्रैक्शन इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द यूनिटी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा हमारा सॉल्यूट है. तो एक्स वन और एक्स टू दोनों का जो सम होगा वो वन के इक्वल होगा. अगर यहाँ से हम एक्स वन को निकाल लें तो एक्स टू दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा. अब इस एक्सप्रेशन नंबर टू को आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करें एक्स वन की जगह, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस एक्स टू. अब ये पी नॉट दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्सप्रेशन कुछ यूँ हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स टू. अब यहाँ पर ये जो पी नॉट है, अगर आप इसके साथ इस पी को ले जाएँ और इस एक्सप्रेशन पी नॉट एक्स टू को दूसरी तरफ ले जाएँ, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू. तो ये जो चेंज ऑफ द वेपर प्रेशर है इसको डेल्टा पी से डिनोट किया जा रहा है, दैट इज़ इक्वलेंट टू पी नॉट विद एक्स टू. यहाँ से हम एक सेकेंड एक्सप्रेशन भी निकालेंगे. ये फर्स्ट डेफिनेशन आपने देखी, ये सेकेंड डेफिनेशन यहाँ से हम निकलेगी जिसमें हम
डेल्टा पी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे एक्स टू के साथ। तो डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, जिसे हम मैथमेटिकली क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं। तो ये सेकेंड डेफिनेशन राउल्ट्स लॉ की बन गई। इसी तरह तीसरा एक और एक्सप्रेशन भी यहाँ से निकलता है 3 से, जब हम पी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब डेल्टा पी जो है वो लोअरिंग है, जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों की बात कर रहे हैं, और पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ द रिलेटिव नेचर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है डेल्टा पी और पी नॉट, इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन बन जाएगा राउल्ट्स लॉ का। अब इसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंस है, थर्ड डेफिनेशन से हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि ये तो एक तो फर्स्ट फैक्टर कि ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट की नेचर और उसकी अमाउंट पर जो है सारा का सारा इन्हिसार होगा रिलेटिव लोअरिंग का। तीसरी एक और अहम चीज़ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। वैन इक्वी मोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन द सेम मास ऑफ द सेम सॉल्वेंट, तो आपके पास ये एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है। आप डिफरेंट सेम सॉल्वेंट्स ले लें और उसमें सेम ही मास के डिफरेंट सॉल्यूट्स भी ऐड कर लें तो ये फैक्टर कॉन्स्टेंट ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द राउल्ट्स लॉ। अब इससे मजीद आगे हम चलेंगे तो ये एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 8.1। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज प्रिपेयर्ड इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17.51 टॉर एंड इज डिक्रीज बाय 0.0614 टॉर। कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर एंड शुगर। इसमें तीन बातें उसने पूछी हैं। पहली चीज़ है जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन आपने भी पढ़ा कि डेल्टा पी और पी नॉट, हमें डेल्टा पी चाहिए और डेल्टा पी उसने अभी यहाँ पर बता दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर पी नॉट 17.51 टॉर है और ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब ये है कि वो आपको जो है चेंज इन वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रहा है, जो आपके पास 0.0614 टॉर है। आप इस दोनों वैल्यूज को पुट करें तो डायरेक्ट आपको रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगी। बी पार्ट में आपसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा गया है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए आपको एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा कि डेल्टा पी जो होता है यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये प्योर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस करने से आता है। हमसे मांगा गया है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप इसको यहीं रहने दें तो ये फैक्टर वहाँ चला जाएगा, तो इसका माइनस उसके माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वलेंट टू दैट इज़ पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी। तो ये एक्सप्रेशन अगर हम इन दोनों को इसको सीधा करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसकी वैल्यू आपको सेकेंड बी पार्ट में के फैक्टर में मिल जाएगी। अब सी हमसे पूछ रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर के लिए आपको एक फैक्ट निकालना है तो दूसरा आप आराम से निकाल लेंगे। यानी हमें लोअरिंग पता है डेल्टा पी ओवर पी नॉट, हम इस थर्ड डेफिनेशन को यूज़ करेंगे जहाँ हमने ये माना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल होती है। डेल्टा पी ओवर पी नॉट की जो वैल्यू है वो वैल्यू ही हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहलाएगी, और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट दोनों 1 के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ से अब एक तो हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन यूज़ करके, दूसरा निकालने के लिए मुझे उसको 1 के साथ माइनस करना पड़ेगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को दूसरी तरफ ले जाएँ तो वो 1 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो 1 माइनस जो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट है जो अभी आपने निकाला उसको माइनस करें तो आपको जो है वाटर के भी मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से तीन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। कुछ कंडीशंस पर जैसे लेट सपोज वी हैव टू लिक्विड्स जो कि वोलेटाइल हैं और वेपर्स बनाते हैं, और उनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में अगर हम लें तो पी नॉट ए है ए लिक्विड के लिए और पी नॉट बी है लिक्विड बी के लिए। जब हम उन्हें मिक्स कर देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स चेंज हो जाएगा। अब सपोज दैट वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन स्टेट, आपने सॉल्यूट ऐड किया और उनके उनको सॉल्यूशन की हालत दे दी, तो अब जो लिक्विड ए का जो आपके पास वेपर प्रेशर होगा जो कि अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है वो पी ए है, इसी तरह लिक्विड बी का पी बी। दीज वेपर प्रेशर्स आर लोअर देन द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके प्योर जो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर से हमेशा कम ही मिलेगा, और ये अभी अपने वजाहत देखी कि ऐसा क्यों होता है। इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स आर डिनोटेड बाय एक्स ए एंड एक्स बी,
देन वी अप्लाई द राउल्ट्स लॉ. अगर हम एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ले लें तो राउल्ट्स लॉ लीकर्ट ए पर लगाएंगे, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए विद एक्स ए, एंड फॉर लीकर्ट बी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा. और हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर सोल्यूशन का दोनों वेपर प्रेशर का सम होगा, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. पी टी इज इक्वल टू पी ए की अपनी अभी वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे, पी बी की भी वैल्यू लिखेंगे. यहाँ से हम एक थोड़ा सा जो है वर्कआउट करेंगे. लाइक हम जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन है, तो एक्स ए और एक्स बी हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, इसका एक्सप्रेशन वन की इक्वल आ जाएगा. तो आप एक्स ए को पुट करें या एक्स बी को पुट करें, इट्स योर चॉइस. तो एक्स बी को अगर हम यहाँ पर रहने दें तो एक्स ए वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा. अब एक्स बी की यानी इक्वेशन सिक्स की जो वैल्यू है हम फाइव इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स बी की जगह पर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए. इसको अरेंज इसलिए किए, इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले जाकर वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमें जाकर आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो इसीलिए हम इसे पहले से ही अरेंज करके चल रहे हैं. तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पी नॉट बी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आप इसमें गौर करें तो आपको इन दो में एक कॉमन एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है जो कि एक्स ए है. तो हम जब रीअरेंज करके कॉमन लेंगे तो हमारे पास पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और जिसको आगे जाके हम फर्दर ग्राफिकली स्टडी करेंगे. अगर हम जनरली देखें तो इसमें पी टी क्या है, टोटल प्रेशर है, और आपके पास ये जो है प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और पी नॉट बी हमारे पास एक जनरल प्योर सॉल्वेंट के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ लिक्विड बी. तो इसका अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ए एंड बी कंट्रोल द टोटल वेपर प्रेशर पी टी, यानी दोनों के मोल्स कंट्रोल कर रहे हैं आपके टोटल प्रेशर को. सो इस तरह से हमारे पास ये मैथमेटिकली प्रूव हुआ. अब ग्राफिकली अगर हम देखें राउल्ट्स लॉ को, तो ग्राफिकली हमने अभी देखा इक्वेशन सेवन, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये आप वाई एक्सिस पर लेंगे. अगर आप ग्राफ को भी देखें तो प्रेशर जो टोटल प्रेशर है वो हम ले रहे हैं दैट इज़ ऑन वाई एक्सिस प्रेशर, चाहे ए लिक्विड का हो चाहे बी लिक्विड का हो. इस तरह हमारे पास ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये हमारे पास यहाँ पर स्लोप कहलाएगी दैट इज़ एम एम यानी स्लोप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जो स्लोप कहलाएगा. इसी तरह ये जो है एक्स है एक्स ए यानी कंपोजिशन को आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, और प्लस सी ये इंटरसेप्ट है पी नॉट बी. इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो ओरिजिन से अगर आपके पास कहीं पर भी कोई लाइन कट कर रही है तो वो जो डिस्टेंस होता है दैट पॉइंट इज़ दी इंटरसेप्ट. तो वो हमारा इस इक्वेशन में पी नॉट बी है. सो इस तरह से आप जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. तो ये आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो पी नॉट ए से पी नॉट बी को ज्वाइन करती है. कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि आप एक्स ए और एक्स बी दो हैं आपके कंपोनेंट्स, जिस भी कंपोजिशन को जिस भी पॉइंट पे आप ऐड करेंगे वो वन ही रहेगा उसका आंसर, इसलिए पॉइंट्स में लिया गया है. अब यहाँ पर एक्स ए वन है मैक्सिमम है और वहाँ एक्स बी मैक्सिमम है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक की डिफरेंट कंपोजिशंस पर ये एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होती है, और जिसमें पी ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम है, जो हम ग्राफ से देख सकते हैं, तभी ये लोअर पर फॉल कर रहा है. और तमाम सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है इस पी नॉट ए और पी नॉट बी जो कि प्योर स्टेट है उसके दरमियान में ही फॉल कर रहा है, ना उस पॉइंट से ऊपर है ना ही उस पॉइंट से नीचे आप इसे देख रहे हैं. तो ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन था. जनरली कंपोनेंट ए क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू बी, तो हमने देखा कि कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में ग्रेटर था देन विद द कंपेरिजन टू द कंपोनेंट ऑफ द प्योर बी. सो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. अगर तमाम सॉल्यूशंस आइडियल हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन इसी तरह की मिलेगी जो आपने अभी देखी. नाउ लेट अस टॉक कि अगर आपके पास आपने मेजरमेंट करनी है और ग्राफ्स को रिलेट करना है तो आपको ढेर सारी वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं एक्यूरेसी के लिए. तो जो भी सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करें उसका टोटल प्रेशर पी टी है जो दोनों कंपोनेंट्स की बदौलत है ए और बी. इफ़ यू वॉन्ट टू लुक एट द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ये होता है कि आप ए और बी दोनों का कंपेयर कर रहे हैं टूवर्ड्स टोटल, तो उसमें कैसे काम होगा. लेट्स सपोज वी हैव टू हाइपोथेटिकल डॉटेड स्ट्रेट लाइन्स, और डॉटेड स्ट्रेट लाइन्स तो आप इसमें रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे ए और बी की कि टोटल में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हमें दो हाइपोथेटिकल डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी. ये सेम वही ग्राफ है जो आपने अभी प्रीवियसली देखा,
जिसमें ए क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड था, तो उसका आपके पास ज़्यादा रेंज है वेपर प्रेशर की बनिस्पत बी के, जो कम वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, कम वोलेटाइल है। उसी तरह आपने कॉम्पोजिशन ली है नीचे और इधर वेपर प्रेशर लिया है वाई एक्सिस पर, और ये स्ट्रेट लाइन हमें आइडियल लाइन को जो है रिलेट करके बता रही है कि यहाँ पर ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पॉइंट मिलता है। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये प्योर ए की जो लाइन है, यहाँ पर आप एक्सट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखें तो ये धीरे धीरे ए का जो फैक्टर है वो यहाँ पर पहुँचने तक जो है राइट साइड पर वो कम होता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर ये 9, 8, 7.7, 6.5 और ये 0 हो गया। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल बी की लाइन को कंपैरिजन में लेना चाहें तो वो आप डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे, तो अब यहाँ पर बी मैक्सिमम है 1 के साथ, फिर धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। तो ये आपके पास जब मोल फ्रैक्शन को आप कंसिडर करते हैं तो पॉइंट्स में अफेक्ट लेते हैं, और किसी भी पॉइंट पर आप जो भी एडिशन करेंगे एक्स ए और एक्स बी की तो आपको 1 ही मिलेगी, 1 से कम भी नहीं मिलेगी, ना ही 1 से ज़्यादा मिलेगी। जब हम परसेंटेज के रिस्पेक्ट से किसी भी पॉइंट को स्टडी करेंगे तो हम उसमें इस पॉइंट को लेट सपोज 60 या 40 के लिहाज से देखेंगे, या इसको 50 या 50 के लिहाज से देखेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट सपोज कि आपके पास, और ये जो एक पॉइंट हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, वेन द सोल्यूशन, यहाँ पे जनरली एक कंडीशन दे दी है उसने कि वेन द सोल्यूशन इज ऑफ 30% बी एंड 70% ए, तो 30% बी और 70% ए के साथ ये वाली लाइन है, ये 70% ए को रिप्रेजेंट करी और ये 30% बी को रिप्रेजेंट करी, अगर हम परसेंटेज में लें। तो अगर इस पॉइंट पर आप सोल्यूशन की स्टडी करें, यानी ये पॉइंट के आपने इमेजिन किया और उसको एक्सट्रापोलेट करके आप नीचे एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास ये के का जो सोल्यूशन है ये डॉटेड लाइंस को दो जगहों पर कट कर रहा है, पहले ए पॉइंट पर और फिर बी पॉइंट पर। तो अब अगर आप उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देखें तो जे से लेकर, आप लेट्स सपोज उसको नेम दे देते हैं के, जे और आई और एच, तो जे से लेकर जो एच तक का ये जो आपको येलो एरो से नज़र भी आ रहा है, ये जो फासला है ये ए कंपोनेंट के लिए है। इसी तरह आई से लेकर एच तक का जो डिस्टेंस है या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो हमारे पास कंपोनेंट बी के लिए है। तो इन दोनों का इंडिविजुअल हम कॉन्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। इसी तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स पर किसी भी सोल्यूशन में ए और बी की मौजूदगी या उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पर इसी तरह अगर ये वाला भी पॉइंट अगर हम लें, इससे भी ज़्यादा अगर हम इस तरफ चले जाएँ, तो इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये एल एम एन ओ का पॉइंट है। तो एल से लेकर एम तक आपको कंपोनेंट ए मिलेगा और एल से लेकर एन तक कंपोनेंट आपको बी मिलेगा, जो यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और यहाँ पर ए की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इसीलिए जो भी पॉइंट आप सोल्यूशन का इस तरफ स्टडी करेंगे उसमें बी ज़्यादा होगा और ए कम होगा, और इस तरफ जो स्टडी करेंगे वहाँ पर ए ज़्यादा होगा और बी कम होगा। तो बीच में आप एक पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों की अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ए की भी है, उतनी 50% कंट्रीब्यूशन बी की है। लेकिन 50% का मतलब ये नहीं है कि जितना ए है उतना ही बी होगा, तो इनकी आपस की क्वांटिटी ज़रा वेरी करेगी। अगर आप देखें तो 50% 50% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ ए हमें यहाँ पर 38% मिल रहा है और बी 62% मिल रहा है, यानी 38%, ये 40 आप अगर इसे कंसिडर करें तो ये 38% ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये 62% जो है बी को रिप्रेजेंट करेगा जो इस तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है। तो इन इतनी क्वांटिटी के साथ ये दोनों 50-50% कंट्रीब्यूशन रख रहे हैं जो ये इस पॉइंट पर ये सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है कॉन्सेप्ट लिया जाता है आइडियल सॉल्यूशंस का, उसमें आप किसी भी पॉइंट पर सॉल्यूशन में मौजूद कंपोनेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 8.2, एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल इज फॉर्म एट अ सर्टन टेम्परेचर बाई मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मेथेनॉल। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ इन वेपर्स। द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल इज 44.5 टॉर एंड दैट ऑफ मेथेनॉल इज 88.87 टॉर एट द सेम टेम्परेचर इन द प्योर स्टेट। अब वो आपसे मांग रहा है कि आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, और सेकेंडली आपको वेपर्स की फॉर्म में भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले तो हम टोटल वेपर प्रेशर की तरफ आएंगे। टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए अगर हम देखें तो प्रेशर निकालने के लिए, टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो है वेपर प्रेशर चाहिए, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के लिए हमें पहले उनका मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन में टर्म यूज़ होती है नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं एथेनॉल एंड वाटर, तो दोनों के मैसेज हम लिखेंगे, फिर दोनों के मोल्स लिखेंगे, और फिर मास को मोल से डिवाइड करके दोनों के मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो हम मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन आपको एथेनॉल का निकालना है तो आप एथेनॉल के मोल्स को ऊपर लिखेंगे यहाँ से,
जो आपने निकाले हैं, और नीचे दोनों के मोल्स को ऐड करके डिवाइड करने के बाद 0.5 आपके पास आंसर आ रहा है। और आप जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, तो मेथनॉल के हमारे पास आ चुके हैं, एथेनॉल के आ चुके हैं, मेथनॉल के अगर आपने निकालने हैं तो वन में से एथेनॉल के जो हमने निकाले थे उसको माइनस करें तो आपको मेथनॉल के भी मिल जाएंगे। इस तरह वेपर प्रेशर का आप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आपने यूज़ करना है वो पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन है। लाइक आपके पास पी नॉट क्वेश्चन वाले ने गिवन है, दिया हुआ है 44.5, और इसी तरह मैथनॉल का भी गिवन है, तो दोनों के आपके पास वेपर प्रेशर मौजूद हैं। आप एक्सप्रेशन ये वाला यूज़ करते हुए आप जब एथेनॉल पर काम करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर आप पुट करेंगे जो आपके पास यहाँ पर गिवन है 44.5, और साथ ही उसके मोल फ्रैक्शंस को यूटिलाइज़ करेंगे जो आपने भी रिसेंटली ऊपर निकाले 0.51, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, दैट इज़ दी वेपर प्रेशर जो एथेनॉल का। इसी तरह मैथेनॉल के भी निकालेंगे। तो जब दोनों के वेपर प्रेशर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आपके पास अब आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, जिसमें दोनों की वैल्यूज़ को ऐड अप करके आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल कर पहला हिस्सा सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड में अब वो आपसे मांग रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ इन वेपर स्टेट। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें टेक्निकली चलना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन वेपर स्टेट अगर हम लें तो हमें सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लेना है और टोटल वेपर प्रेशर को डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन का अगर आपके पास वेपर प्रेशर अगर आप देखें तो आपने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, लाइक अगर मेथनॉल के वेपर प्रेशर की बात की जाए तो वो 43.46 था और टोटल आपने भी निकाला 66.15। जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वेपर स्टेट में आपके मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह आप एथेनॉल के निकालने के लिए एथेनॉल की वैल्यू ऊपर प्लेस करेंगे ऊपर से लेकर, और नीचे टोटल को लेंगे और डिवाइड करके आप आंसर निकालेंगे। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिसकी मदद से आप जो है निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये आज जो हमने केसेस देखे हैं दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम किस तरह से ये जो है स्टडी करते हैं रूट्स लॉ को और उसकी कंडीशंस को कैसे ग्राफिकली आइडियली वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। बेस्ट ऑफ लक।